हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। नया चैप्टर सर्कल, क्लास 9 में, 10 में, जहां से भी आप पढ़ें सर्कल आपको दिख जाएगा। सर्कल सुनते ही सबसे पहला सशेप जो दिमाग में आता है ये गोल प्लेन फिगर, ये आपके लिए सर्कल है। सर्कल की कुछ खास बात जो जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं सर्कल शेप को आप बचपन से देखना शुरू करते हैं। मम्मी की चूड़ी, ये भी सर्कल है। क्रिकेट का बॉल, वो स्फीयर है, वो सर्कल नहीं है। पर सर्कल को सुनते ही जो सबसे खास बात आपको नजर में आता है वो है कि गोल सा प्लेन फिगर, उसको लोग सर्कल कहते हैं। पर जब पढ़ाई की बात करते हैं तो एक ऐसा जगह, एक ऐसा पॉइंट सर्कल के बीच जहां से सर्कल के हर बाउंड्री का जो है डिस्टेंस जो है वो, या फिर लेंथ आप कह सकते हैं, वो इक्वल हो। यानी कि जितना भी यहां से, इसका अगर नाम, इस पॉइंट का नाम अगर ओ दे दें तो, और इसका नाम अगर ए दे दें, बी दे दें, सी दे दें, डी दे दें, ई दे दें, और जितना भी स्टेम ड्रॉ कर सकते हैं, एफ दे दें, चाहे जितना भी ड्रॉ कर सकते हैं सबका नाम दें, अगर सबके सब इक्वल हों, यानी कि सेंटर से ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, सबके सब इक्वल हों, तभी ये गोल वाला जो शेप है, गोल तो कह नहीं सकते पर जो भी ये शेप है तब वो सर्कल कहलाएगा। इट मीन्स अगर हम लोग कहें कि ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ सब इसके रेडियस हैं, क्योंकि एक सर्कल के सभी रेडियस इक्वल होते हैं। तो ये कंसेप्ट आप लोग क्लास 6-7 में ही पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि ये जो है वो ओ एफ या फिर ओ ए, ये जो है वो रेडियस है। अगर पूरे यहां से यहां तक की अगर हम बात करें, इधर एक नाम दे देते हैं पी, तो जो ए पी होगा वो डायमीटर हो जाएगा। ये सब आप बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग के क्लास में, यानी कि 6-7 में जब सर्कल पहली बार सुने होंगे तभी जानते होंगे। अब हम लोग जो क्लास 10 के हिसाब से जो सर्कल की कुछ खास प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर देखेंगे। तो सर्कल होता क्या है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सबसे पहला सा बात आता है सेंटर। तो सेंटर यहाँ पर ओ है, यानी कि सर्कल के अंदर का वो लोकेशन जहां से उसके सर्कमफेरेंस का लेंथ हर जगह इक्वल आए, उस लोकेशन को, उस पॉइंट को ही हम लोग सेंटर कहते हैं। तो सर्कल का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब जो सर्कल के अंदर जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सेकेंड्स, और दूसरा जो पढ़ेंगे वो होगा टेंजेंट। और इसी डेफिनेशन के हिसाब से इस चैप्टर के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो फिर से हम लोग एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसका सेंटर जो है वो ओ है। अब सेकेंड क्या होता है, तो एक वैसा स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को किसी दो जगह इंटरसेक्ट करके पास कर जाए। यानी आप देख सकते हैं कि ये लाइन या फिर ये रे जो भी है इस सर्कल पे दो जगह इसको पॉइंट कर रहा है, कॉन्टेक्ट कर रहा है, एक ए पे और एक बी पे। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रे है या फिर लाइन है ये जो है सेकेंड कहलाएगा। अब टेंजेंट समझने के लिए फिर से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसका सेंटर ओ हो जाएगा। अब एक लाइन जो कि सर्कल के सर्कमफेरेंस को बस एक जगह टच करते हुए निकल जाए, सिर्फ एक जगह, क्योंकि मार्कर की जो इंक है यहां पर इस मोटाई की वजह से ऐसा आपको लगेगा कि ये कई जगह यहां पर टच कर रहा है इसको, पर ऐसा नहीं है, सिर्फ एक जगह टच करते हुए, यानी एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे टच करते हुए पास कर जाए। तो हम लोग इस लाइन को, ए बी को, सर्कल ओ का जो है वो टेंजेंट कहेंगे। यानी कि यहां पर जो ए बी है फर्स्ट फिगर में, ये सेकेंड है, और यहां पे जो ए बी है अगर आप चाहें तो इसका नाम बदल सकते हैं, कंफ्यूजन थोड़ा कम होगा। तो ये जो पी क्यू है ये टेंजेंट है। तो सेकेंड और टेंजेंट में फर्क एक बार फिर से देख लेते हैं, यानी कि वो लाइन, वो रे जो सर्कल को किसी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाए उसको हम लोग उस सर्कल का सेकेंड कहते हैं, और वो लाइन जो सर्कल को सर्कल के सर्कमफेरेंस पे सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए, यानी कि अगर यहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कह दें तो ए हो जाएगा, एक ही पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाए उसको, उस सर्कल का टेंजेंट कहते हैं। अब इस कंसेप्ट पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले एक थ्योरम देखेंगे फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो टेंजेंट का एक बेसिक सा कंसेप्ट, एक सर्कल है सेंटर ओ के साथ, और टेंजेंट का एक अच्छा इंपॉर्टेंट और बेसिक सा कंसेप्ट हम कह सकते हैं कि अगर सर्कल से बाहर कोई एक पॉइंट लिया जाए, सपोज ए, तो ये एक्सटीरियर पॉइंट हुआ, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट आप लोग समझते हैं कि सर्कल के अंदर जो पॉइंट आएगा वो उसका इंटीरियर पॉइंट हो गया और जो बाहर आएगा वो एक्सटीरियर पॉइंट होगा। तो टेंजेंट का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, कि सर्कल से बाहर यानी कि किसी एक्सटीरियर पॉइंट से
सर्कल पर सिर्फ और सिर्फ दो ही टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, यानी कि अगर इसको नाम दे दिया जाए P और इसको दे दिया जाए Q, तो यानी कि ये जो टेंजेंट का कंसेप्ट है ये कहता है कि सर्कल से बाहर से किसी पॉइंट यानी किसी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे सिर्फ और सिर्फ दो ही टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, और लेंथ ऑफ टेंजेंट में आप कंफ्यूज ना करें कि ये इतना बड़ा है तो यहां से यहां तक लेंथ होगा और बढ़ा दें तो ये लेंथ होगा, ऐसा नहीं होता है। जिस पॉइंट पे वो कॉन्टेक्ट हुआ है वहां से लेके उस एक्सटीरियर पॉइंट का यानी कि उस पॉइंट जहां से वो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है उसी को हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। तो इस फिगर में लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होगा ऊपर वाले केस में AP होगा और नीचे वाले केस में AQ होगा, यानी आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसके बाद जो है उसको भी हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट भी लेंगे, सिर्फ AQ यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक का ही डिस्टेंस जो है वो इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। तो इस सर्कल चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है उसका जो स्टेटमेंट है वो तो आप अपने बुक में पढ़ ही लेंगे, पर मैं उसे यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे आप दोनों में से कोई भी टेंजेंट एज एन एग्जाम्पल ले सकते हैं, एपी भी ले सकते हैं आप, एक्यू भी ले सकते हैं, बेहतर होगा कि मैं यहां पर नीचे वाला ले रहा हूं कि सर्कल पे जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यानी कि क्यू है, तो अगर सर्कल से यानी कि सेंटर से अगर हम लोग इस पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो है उसका रेडियस हो जाएगा सर्कल का, और तो ये थ्योरम कहता है कि यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी कि रेडियस ड्रॉन ऑन ए टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू इट। थ्योरम हम लोग कह सकते हैं कि अपने लैंग्वेज में बुक में तो अच्छे डेफिनेशन में लिखा होगा कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट, यानी कि जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है क्यू है, अगर उस पर जो है रेडियस को ड्रॉ कर दिया जाए तो वो जो है इससे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे यानी कि इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। तो थ्योरम अब ये कहता है कि अगर हम लोग इसको इससे मिला देते हैं यानी कि ओ को ए से मिला देते हैं तो अब ओ क्यू ए एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हियर ओ क्यू ए इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, और अगर आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से एक बार रिकैप कर देता हूं कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में वो सबसे बड़ा होता है यानी उसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो हाइपोटेनस इस वाले ट्राइंगल में अपना ओ ए हो जाएगा, यानी कि ओ ए का स्क्वायर परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर और बेस हो जाएगा ए क्यू या फिर क्यू ए का स्क्वायर। तो इस तीनों ही मतलब यानी पाइथागोरस थ्योरम पे जो इस राइट एंगल ट्राइंगल का तीन वेरिएबल है यानी कि ओ ए ये डिस्टेंस, ओ क्यू रेडियस और ए क्यू टेंजेंट, तीनों में से अगर कोई भी एक मिसिंग है यानी कि एक वेरिएबल के तौर पे है, यानी कि अगर आपको ओ ए दिया हुआ रहता है ए क्यू दिया हुआ रहता है तो आप रेडियस निकाल सकते हैं, अगर रेडियस ओ क्यू दिया हुआ है टेंजेंट ए क्यू दिया हुआ है तो ये पॉइंट ए सर्कल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है ये निकाल सकते हैं। तो इस तरह से तीनों में से कोई एक निकालना आपके इस वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम कह सकते हैं कि तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं कि या तो सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ जो ये पॉइंट है इसका डिस्टेंस पूछा जाएगा, या तो सर्कल का रेडियस पूछा जाएगा, या तो लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा जाएगा। मैं तीनों में से कोई एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम लेके आपको समझाता हूं अभी आगे। तो इस बेसिक कंसेप्ट पे अब हम लोग एग्जाम्पल प्रॉब्लम देखेंगे कम से कम दो या फिर तीन। कि पहला देखते हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट पी 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में एक्सप्लेन बोलता जा रहा है वैसे वैसे हम लोग फिगर बनाना शुरू कर देंगे। एक सर्कल है और 10 उससे तो एक बाहर पॉइंट पी है कहीं पे और कह रहा है 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, यानी कि सेंटर ऑफ सर्कल अगर ओ है तो उससे जो इसका डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। अ टेंजेंट पीटी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन, यानी कि एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है इसका लेंथ 8 सेंटीमीटर है और टेंजेंट का नाम है पीटी।
तो पीटी एक टेंजेंट है, वो ड्रॉ कर दिया। अब कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि आपको ओटी ड्रॉ निकालना है, ओटी आपको फाइंड करना है, वो रेडियस होगा। तो यहां पर लिखेंगे हियर ओटी इज द रेडियस, पीटी इज द टेंजेंट एंड ओपी इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द एक्सटीरियर पॉइंट। तो थ्योरम के हिसाब से आप कह सकते हैं कि OT जो है वो परपेंडिकुलर है PT पे, यानी कि एच स्क्वायर जो है, एच जो हो जाएगा वो OP हो जाएगा। तो बाय थ्योरम OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस हो गया OP, परपेंडिकुलर OT और बेस PT। तो OP का स्क्वायर यानी कि OP अपना दिया हुआ है यहां पर, OP यानी कि लेके सेंटर से लेके बाहर के एक्सटीरियर पॉइंट तक का डिस्टेंस यानी कि 10 सेंटीमीटर, OT का स्क्वायर रेडियस हम लोग को फाइंड आउट करना है, और PT का स्क्वायर यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, PT ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा OT का स्क्वायर और ये हो जाएगा 64। OT का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, OT का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, OT इज इक्वल टू रूट अंडर 36, दैट इज 6 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो कुछ नया नहीं होगा किसी और एग्जांपल प्रॉब्लम में, आपको बस ये ध्यान से समझना है कि रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, यानी कि सेंटर से लेके उस एक्सटीरियर पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमेशा हाइपोटेनस बनेगा, परपेंडिकुलर रेडियस बनेगा, और बेस उस पॉइंट से, एक्सटीरियर पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा वो बेस बनेगा। तो इसी तीनों में से कोई एक वेरिएबल होगा, दो की वैल्यू दी हुई रहेगी, और आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए उस अननोन वेरिएबल का यानी कि उस वेरिएबल का वैल्यू निकालना होगा, चाहे वो वेरिएबल रेडियस हो, चाहे फिर सेंटर से लेके उस एक्सटीरियर पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस हो, या फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट हो, तीनों में से हमेशा कोई दो दिया हुआ रहेगा, एक आपको निकालना है। तो ये था सर्कल का बेसिक कंसेप्ट, थ्योरम वन के हिसाब से बनने वाला सारा क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीबीएसई 2002 के एग्जाम में आया भी हुआ है। तो ध्यान से आप इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन करें, फिर आप इस चैप्टर के, इस थ्योरम के बेस पे जितने भी क्वेश्चन है सबको कर सकेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा हो तो जरूर उसे दें, ताकि उसका सॉल्यूशन मैं करके आपको आने वाले वीडियोज में दे सकूँ। थैंक यू।